हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मार्केट में यार लॉकडाउन चल रहा है, फ्लिप फ्लॉप अब कहीं मिला नहीं, तो हमने क्या किया, एक देसी जुगाड़ कर दिया। फिक्स ही तो बनानी थी, अब कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। जब तक फ्लिप फ्लॉप अब ना मिले तब तक के लिए एक जुगाड़ ढूंढा तो है, देख तो कितने दिन तक चलेगा ये। तो हमने क्या किया, जो फ्री व्हील था ये पीछे का, इसे हमने वेल्ड करवा दिया। फिलहाल तो देखो आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको जैसे मैं आगे घुमा रहा हूँ तो आगे घूम रहा है, पीछे घुमा रहा हूँ तो पीछे घूम रहा है। नहीं, एक तरीके से फिक्स ही बन ही गई है लगभग, तो देखते हैं चलिए इसे चला के कैसा फील आ रहा है। हालांकि फिलहाल मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप अपनी साइकिल में करें, क्योंकि ये मैंने सिर्फ टेस्ट करने के पर्पज़ से ही इसे ट्राई करने की कोशिश की है, देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता। बाकी चलो दिखाता हूँ आपको इसकी राइड। वैसे ये मेरा दोस्त है, इसे हम प्यार से ओबामा बुलाते हैं। इसकी साइकिल में हमने कुछ पंगे ले लिए हैं, अब देखते हैं कैसा चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ वेल्डिंग करवाने के बाद हमें सबसे पहले फील हुई, लगती तो है यार फिक्स ही जैसी चलाने के अंदर एकदम, ना नहीं पेडल मारते हैं पेडल अपने साथ दूसरा पेडल अपने आप ही आ जाता है, ये चीज़ का तो है यार फिक्स ही के अंदर ना कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है साइकिल के अंदर। लेकिन 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 फिलहाल मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ नहीं कि इसके मैं ब्रेक्स हटा दूँ, क्योंकि यार देखो साइकिल में शायद वेट ज़्यादा है या पता नहीं क्या बात है, कुछ मैंने अब तक पेडल स्ट्रैप्स भी नहीं लगाए हैं तो रुकती नहीं है यार पेडल से ये, जब इसको रोकने की कोशिश करते हैं ना जो भी साथ में उड़ जाती है। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि बहुत से भाई पूछते हैं यार साइकिल की स्पीड कितनी चली जाती है 60T के क्रैंक सेट के साथ में, तो अब देखो हम नॉर्मल चल रहे हैं, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं, स्पीडोमीटर के अंदर ये 3-4 किलोमीटर की स्पीड कम दिखाता है जैसे मैंने नोट किया है, तो हम यहाँ 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड पर बिल्कुल बिना किसी जोर के बिल्कुल आराम से चला रहे थे। जबकि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त को कितने पेडल मारने पड़ रहे हैं, वो तो फिक्स ही होने के कारण बिल्कुल आराम से चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, फ्री होने वाली तो अब टेंशन है ही नहीं इसमें कुछ। लेकिन अपनी साइकिल में यार बिल्कुल जोर आता ही नहीं है, मज़े आ जाते हैं चला के। 30-40 तक इसमें कोई प्रेशर नहीं है, 40 बाद में जोर आता है चलाने में। तो इस जुगाड़ को कराए हमें लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन से हम चला रहे हैं, हालांकि हमने कोई लंबी ट्रिप अब तक की नहीं है। कल सुबह मैं इस पर हम थोड़ा लंबा जाने की कोशिश करेंगे, उसकी मैं वीडियो शूट करके ज़रूर डालूंगा, देखना मत भूलिएगा। देखो जैसे अब ये रोकने की कोशिश करता है ना तो रुकती नहीं है ये, ना इसे फेंक देती है, शायद वजन भी ज़्यादा है और कुछ स्ट्रैप्स भी चाहिए तो स्ट्रैप्स आ जाएंगे तो शायद देखेंगे फिर रुकती है, स्किड करती है नहीं करती है। आप सब ये बात तो जानते ही हैं कि इस प्राइस के अंदर हॉक का कोई तोड़ है ही नहीं, 7-1 हज़ार इसका इस टाइम रेट चल रहा है बाज़ार के अंदर, और इसके ऊपर अगर आप 4-5 हज़ार रुपये और लगा देते हो तो भैया इसको कोई साइकिल पकड़ ही नहीं सकती आराम से, ये लगभग मान के चलो कि 30 हज़ार तक की रोड बाइक का मुकाबला कर सकती है, इतनी पावर है इस साइकिल के अंदर। एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं रुकती है नहीं रुकती है। यार वैसे तो हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, रुका नहीं है, लेकिन वीडियो बनानी थी तो मैं रोक के दिखाने की कोशिश कर ही लेता हूँ। ये देखो स्लो तो हो जाती है लेकिन यार स्किड नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है, कारण शायद वही है स्ट्रैप्स नहीं है। तो ये तो था फिक्सी के बारे में। अब कई भाइयों ने मेरे से ये भी पूछा था कि यार 52 या 60 के जो स्टील के जो क्रैंक सेट आते हैं या जो चेन रिंग आती है उसके ऊपर यार गियर कैसे चढ़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैंने इसके पिछली साइड से देखिए इसकी विड्थ कम हो गई है, गियर की चेन पतली होती है, तो उसके लिए मैंने इसे यहाँ पीछे से इस जगह से इसको ग्राइंड करवा दिया। ग्राइंड करवाने के बाद ही ये मेरी चेन इसके ऊपर आराम से फिट आ पा रही है, जिससे कि मैं इसके ऊपर गियर इंस्टॉल कर सका हूँ। 7 स्पीड के गियर यहाँ लगे हुए हैं, अब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देसी सा 200 रुपये का डिवेलियर लगाया था, मस्त चल रहा है एकदम। उसी के साथ ही एक चीज़ और यार, आज हेलमेट भी ले ही लिया है, हेलमेट एक एसेंशियल एसेसरी है साइकिलिंग के वक्त, ज़रूरी है। 30-40 तक की स्पीड में हम चला रहे हैं तो यार कुछ तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है सिर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं CE सर्टिफाइड ये हेलमेट है, कुछ मीडियम साइज़ का मेरे को मिला, इससे छोटा शायद मेरे सिर पर ना आए, हालांकि ये हल्का सा ढीला है लेकिन पीछे एडजस्टर से हम इसे टाइट कर सकते हैं। ये हेलमेट कुछ मुझे 1200 रुपये का मिला बाज़ार से, इसमें एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसके अंदर यार इनबिल्ट लाइट है, जो कि आपको 3 कलर्स में मिल जाती है, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन के अंदर, जो अलग अलग मोड्स में इन्होंने मिक्स भी कर रखी है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप लो लाइट के अंदर या अर्ली मॉर्निंग राइड्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। जहाँ तक फिटिंग की बात है, फिटिंग तो आपने देख ली होगी वीडियो के अंदर, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है फिटिंग के अंदर भी, और इस प्राइस के हिसाब से हेलमेट काफ़ी ठीक है। बाकी यार जहाँ तक पार्ट्स की बात रहेगी तो यार फिलहाल मार्केट्स में पार्ट नहीं मिल रहे हैं हैंडल बार वगैरह, तो मैं मेरी तरफ से 100% ट्राई कर रहा हूँ कि पार्ट्स कहीं ना कहीं से तो मिल जाएँ। अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, HMH बाइकिंग है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।